मैं सुकेश सर यूनिक निवार्य पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके पास लेकर के आया हूं क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, आपकी घड़ी आ गई। आज मैं इस क्लॉक में क्या करने वाला हूं, क्लॉक में इमेज पे आप क्वेश्चन देखे होंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, खास करके NTPC के एग्जाम में धूम मचा रखा था पिछली बार, और ALP के एग्जाम में भी, RPF के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में भी। तो इस बार भी आपका जो एग्जाम होने वाला है, समझिए निश्चित रूप से इस पे क्वेश्चन आ रहा है। और मैं इस तरह का तरीका सिखाऊंगा इसमें कि आपको छू मंतर एकदम क्वेश्चन को देखें और आंसर निकालें। इस तरह की बातें आज होंगी इसमें। और इसमें हम लोग देखेंगे कि घड़ी का जो इमेज होता है किस किस तरह से बनता है, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए पहले देखते हैं हम लोग आगे। ये देखिए हमारा घड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस घड़ी में ये हमारा क्या है, घंटा का सुई, और ये है मिनट का सुई, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका दिया हुआ एक्स और वाई, एक मिरर दिया हुआ है। और मिरर, जब ये मिरर हमारा किधर है, घड़ी के किधर है, राइट साइड है। अगर घड़ी के राइट या लेफ्ट मिरर लगा होता है तो क्वेश्चन बन जाता है मिरर इमेज का, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का। और अगर नीचे रहता है मिरर लगा हुआ या ऊपर रहता है मिरर लगा, तो वो क्वेश्चन बन जाता है हमारा वाटर इमेज का, यानी जल प्रतिबिंब का। अब तो यहाँ पर हमारा देखिए ये घड़ी जो है, अभी घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है यहाँ पर। अब इसको जैसे देखिए पलट दिए, यहाँ घड़ी में क्या हुआ, ये पलट गया, तो आप देखिए 9 यहाँ है, तो इसको 3 ये जो दिख रहा है, ये 9 दिखता हुआ आपको समझना पड़ेगा कि ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ही, ठीक है, क्योंकि सुई का कन्वर्सन होता है क्लॉक में, आंसर उसी तरह से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ देखोगे तो इस घड़ी से आपको आएगा टाइम क्या, 9 बजे। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 बजे। क्लियर है, 12 बजे को आपकी सहूलियत के लिए, आपके आसान के लिए, क्वेश्चन को घटाने में इजी हो आपके लिए, इसलिए मैं 12 बजे को 11:60 तो लिख सकते हैं, 11:60 को भी तो 12 बजे कहते हैं, ठीक है, 11:60 इट मीन्स 12 बजे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब सारा खेला हमारा इसी पर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इसमें हम 11:60 में इसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा, इसको अगर हम 11:60 में घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको क्या करना है, 11:60 में घटा के आंसर निकाल देना है। दूसरा चीज ये देखिए, ये आपका 1 बजे से लेकर के और ये आपका यहाँ तक के समय के लिए काम करेगा, यानी 11:59 तक, यानी 1 बजे से 11:59 तक आपका ये काम करेगा ट्रिक, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल उठता है कि 12 बजे से 12:59 तक का जो समय होगा उसके लिए क्या करेंगे हम, तो आप देखिए मल्टीपल हो जाता है वो, जब आपका यहाँ ई भी 12 पे होगा, दोनों सुई यहाँ भी 12 पे होगा, तो 12 कितना हो जाएगा, 24। 24 बजे को आप क्या, देखिए 24 बजे जैसे है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 23:60 लिख सकते हैं ना। आप क्या करना है, हम लोग को यहां से यहां तक का जब समय रहेगा उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, 23:60 लेंगे, 23:60 में घटा करके आंसर निकाल लेंगे, यानी 23:60, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 23:60 में 12 बजे। अब ध्यान देना है, अगर 12 और 1 इसके बीच का समय रहेगा तो 23:60 में घटा के आंसर ज्ञात करेंगे, और यहां से लेकर के 12 बजे के 11:59 तक का समय रहेगा तो 11:60 में घटा के आंसर ज्ञात करेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर से समझ लीजिए, 1 बजे से लेकर के 11:59 तक का समय रहेगा तो 11:60 में घटाना है, और 12 बजे से लेकर के 12:59 तक का समय रहेगा तो 23:60 में घटाना है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन से करते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है 1 नंबर, एक घड़ी में 8:40 बज रहे हैं तो वह दर्पण में कितना बजता दिखेगा, दर्पण में कितना बजता दिखेगा कह रहा है, तो क्या बताए थे, 11:60 - 8:40, क्लियर है, कितना हो जाएगा, 3:20। 3:20 आपका विकल्प ए में दिया हुआ आंसर हो गया, विकल्प ए। देखे कितना फास्ट बन गया क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, एक घड़ी में 12:10 हो रहे हैं,
बारह दस है, हमको क्या करना है, तेईस साठ में घटाना है। बहुत अच्छे, अब आइए बारह दस को तेईस साठ में घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ग्यारह पचास। अब क्वेश्चन के प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, बारह सौ दाएं लगे दर्पण में, देखिए यहां पर दाएं लगे दर्पण हो या बाएं लगे दर्पण हो या सामने लगे दर्पण हो या उदग्र दर्पण हो, दर्पण जब भी ऐसे होता है ना, ये उदग्र होता है आपका, और ये दर्पण जब होता है तो क्षैतिज होता है, क्लियर है। तो यहां पर दाएं लगे दर्पण में कह रहा था, बारह दस का यानी बारह और एक के बीच का समय है, तो हम लोग क्या किया, तेईस साठ में घटा लिए, आंसर हमारा हो गया ग्यारह पचास। ग्यारह पचास आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीन नंबर, एक घड़ी में तीन बीस हो रहे हैं, यहां देखिए उदग्र लगे दर्पण में, अभी जस्ट समझाए थे आप, उदग्र मतलब क्या, वर्टिकल, वर्टिकल लगा हुआ दर्पण जब रहेगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मिरर इमेज का। मिरर इमेज का क्वेश्चन है तीन बीस समय हो रहा है, तो क्या करेंगे, ग्यारह साठ में घटाएंगे, ग्यारह साठ तीन बीस, लाजवाब यहां घट गया चालीस और यहां आ गया आठ, आंसर क्या हो गया, आठ बजकर चालीस मिनट, यानी विकल्प बी हमारा आंसर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन आपका जो है, एक घड़ी में दस पांच हो रहे हैं और सामने लगे, ये देखिए यहां पर सामने लगे दर्पण, सामने वहां पर आपका ये घड़ी है और इस तरह सामने लगे दर्पण है, इसमें किस तरह से बजेगा, वो भी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा आपका, यानी कि ये एक बजे से ग्यारह उनसठ के बीच का समय है, तो आप 1160 में इसको घटाइए, एकदम लाजवाब तरीका से बनाइए, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 55 और यहां घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 155 जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, यानी चार नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। आइए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी में 9:20 हो रहे हैं तो उदग्र लगे दर्पण में कितना बजता दिखेगा। अब देखिए 9:20 हो रहा है, उदग्र लगा दर्पण है, उदग्र लगा दर्पण यानी मिरर इमेज है, अब 9:10 हो रहा है, 1160 में 9:10 9:20 को घटा दीजिए, अब घटाइएगा तो क्या होगा 40, ये हो जाएगा 2, यानी 2:40 आपका आंसर हो गया, 2:40 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छह नंबर है, एक घड़ी में 7:10 हो रहे हैं तो बाएं लगे, अब देखिए यहां पर बाएं लगे दर्पण में, बाएं लगा हो दर्पण, दाएं लगा हो दर्पण, सामने लगा हो दर्पण, उदग्र लगा हो दर्पण, सारा मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा, 7:10 हो रहा है, घटाएंगे किसमें, 1160 में 7:10 को, हो गया 50 और ये हो जाएगा 4, आंसर क्या हो गया 4:50, 4:50 आपका कहां है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सात नंबर है, 12:15 हो रहा है तो उदग्र लगे दर्पण, उदग्र यानी वर्टिकल लगे दर्पण में कितना बजता दिखेगा, 12:15 है, क्या बताए थे 12 और 1 के बीच का समय रहेगा, क्या करेंगे 23:60 में घटाएंगे, तो 23:60 लीजिए, 23:60 लीजिए और 12:15 में घटाइए, क्या हो गया 45 और इधर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 11, यानी 11:45 आंसर हो गया जो कि विकल्प नंबर एक में दिया हुआ है। आइए आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12:55 हो रहा है, 12:55 यानी 12 से 1 के बीच का समय है, घटाएंगे 23:60 में, आइए 23:60 में घटा ही देते हैं, अब 23:60 में घटाएंगे 12:55 को, ये हो गया कितना 5 मिनट और ये हो गया 11, यानी आंसर हो गया क्या 11:05, लाजवाब डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 10:50 समय हो रहा है, 10:50 अब यहां पर क्या है 1 और 11:59 के बीच का समय है, तो घटाइए 11:60 में, घटाइए 11:60 में 10:50 को, क्या हो जाएगा 1:10 आपका आंसर हो जाएगा, 1:10 आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। और 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 12:35 हो रहा है समय और दर्पण क्या है, दर्पण में कहता है कितना बजता दिखेगा, 12:35 यानी 12 और 1 के बीच का समय है, 23:60 में घटाइए, 23:60 में घटाए हम तो 12:35 को, तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर 25 हो जाएगा घट के और 23 में से 12 गया 11, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11:25 जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। कितना बेहतरीन तरीका बताया, आज के दिन आपको मिरर इमेज के बारे में बताए और अगले दिन आपको वाटर इमेज में किस तरह से परिवर्तन होगा उसका भी छू मंतर तरीका आप सिखाएंगे। आइए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, हमारे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन आपको, तो आपको जो है आज जो हम बताए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी भी आई है
आप एग्जाम में जाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और आप कन्फर्म हो जाइए एक नंबर के लिए। आज के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही बाबू, मिलते हैं कल के दिन। पुनः धन्यवाद।